मुरादाबाद जनपद के मजोला थाना क्षेत्र में एक रिक्शा चालक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव पड़ा देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान मंडी चौक निवासी राजकुमार के रूप में हुई थी। परिजनों ने एक स्थानीय युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार मजोला थाना क्षेत्र सहित बुद्धि विहार कॉलोनी में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक युवक का शव देखा। मृतक युवक को गोली मारी गई थी और शव के बगल में ई रिक्शा भी मौजूद था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक शव की शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने शव को मर्चरी हाउस में रखवा दिया। आज सुबह लाइन पार क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने मृतक युवक की पहचान राजकुमार नाम के युवक के रूप में की। मृतक के परिजनों के मुताबिक मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से राजकुमार की रंजिश चल रही थी और पहले भी दो बार राजकुमार के ऊपर हमला हो चुका था। मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिविल लाइन के मुताबिक मृतक की शिनाख्त होने के बाद जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को तलाश किया जा रहा है। पुलिस घटना के पीछे की रंजिश की वजह तलाशने में जुटी है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। क्या हुआ था बताइए, कब पता चला आपको? मेरे को तो रात को 1 बजे 1:15 बजे करीब पता चला। ये इन लोगों ने बताया फोन करके, कैसे से बात हुई तभी पता चला। क्या कोई दुश्मनी दुश्मनी हमारी तो किसी से ना था। दो बार फैर तो यहाँ पर हो चुके हैं। दो बार फैर हो चुके हैं यहाँ पर घर में। अच्छा, हाँ तो पुलिस में शिकायत की थी उस समय? तुम्हारे पास गोली है? अरे वो आपने इसकी पुलिस से शिकायत करी अभी तक? जब गोली जब चलाई थी उस समय शिकायत की थी? शिकायत की थी, शिकायत की थी, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ उसका। आंटी आप बोलते हैं? मेरा नाम कांता है। क्या हुआ थी? क्या हुआ बेटे को ये बताइए। मेरे बेटे को तो कुछ भी ना हुआ, लड़ाई ऐसी टूट में हो गई दारू पी के, तो उसे धोस दही नो के हम मार देंगे। अब यार मेरा तो वही दुश्मन है। और कौन लोग हैं जो मतलब मारने की धमकी दे रहे थे लगातार? ये सैनियों में है। मतलब किस चीज़ की दुश्मनी है, किस चीज़ को लेकर ये रंजिश निकाल लेते? क्या पता, ये तो वही अब ये तो वही जाने वही बता क्यों ऐसा दुश्मनी करी। मेरे तो कोई और दुश्मन नहीं है यहाँ पे। आपको कब पता चला कि दो ही जगह से दुश्मनी है बस खाली? मेरे बारह बजे आई थी यहाँ पुलिस वाले, तो उन्होंने मुझसे पूछा नौके आपका बेटा कहाँ है। तो मैं बोली मन कि मेरा बेटा मन कि मुझे मुझे ना पता ही कि 12 बज गए। तो मन कि अभी तो वो मेट्रो लेकर गया 10 बजे। अब मन कि 10 बजे से फिर मैंने जो बुलाई मन कि काजल नहीं आइए। तब वो बोले न कि काजल, काजल किसका नाम है मन कि उसकी बीवी का, बच्चे मेरे दो रच सो रहे नन नन में तो है ही दो बच्चे। तो जब मैंने बुलाई जी बोली अभी ना आए हैं, अभी ठीक है क्या तो ही बच्चा कि सबू जी के कौन कौन आया बुलाने इन्हें बता दे। जब वो लड़का एक आंसू जो है वो ले आया था बुलाने, और उसके ठेला पे यहाँ पे ठड़े हैं चाउमीन के ठेला पे। अब यहाँ से ये नहीं पता वो किधर तू गया, कौन का था उसके साथ। तो पहले भी आपके यहाँ लोगों ने गोली चलाई क्या? पुलिस ने शिकायत की थी तो कौन लोग थे जो पहले गोली चलाई थी? ये सैनियों में है मैं बता दूँ। तो आपने शिकायत, महावीर नाम है उसका, उस समय पुलिस से शिकायत की थी आपने? हाँ पहले मैं गई थी तो मुझे कोई मिला ना थाने में, इकली गई थी, कोई मिला था ना उस टाइम पर, कोई भी ना था। तो उन्हें धमकी दी थी। क्या धमकी? क्या कि हम मार देंगे तेरे लौंडे को। तो आपको लगता है कि उन लोगों ने मारा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आपने तहरीर दे दी थाने में? तहरीर दे दी? मैं दूंगी, मैं तो जाकर कह दूंगी लोग मुझे जब धमकी देगी तो हो सकता है उसका काम है। ये कल करीब 10:30 बजे के आसपास जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तो वहाँ पे रिलायंस पेट्रोल पंप से बुद्धि विहार की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे एक ई रिक्शा थी और ई रिक्शा के बगल में एक डेड बॉडी मिली थी। तो वहाँ पे मौके पे जाके देखा तो उसके जो दो बुलेट इंजरीज थी, कोई भी मोबाइल नहीं था, बाकी उसकी डेड बॉडी को PM के लिए भेज दिया गया और उस सब का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। ये फायर आर्म इंजरीज हैं तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि क्या कारण रहे होंगे,
बाकी अन्य अवैधानिक कार्य जो हैं वो प्रचलित हैं। पहचान हो गई? हाँ, उनकी डेड बॉडी की पहचान हो गई है। वो राजकुमार हैं और मंडी चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।